गुड मॉर्निंग चिल्ड्रेन. टुडे आई एम गोइंग टू स्टार्ट लेसन नंबर 3, द अमेजिंग हिस्ट्री ऑफ पेपर. सो डू यू नो हाउ द पेपर वॉज डिस्कवर्ड? लेट्स सी, वी आर गोइंग टू लर्न द अमेजिंग हिस्ट्री ऑफ पेपर. सो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम वार्म अप. बिफोर पेपर वॉज डिस्कवर्ड, दीज मटेरियल्स वर यूज टू राइट अपॉन फाइंड आउट द कंट्री इन विच दे आर यूज फॉर द फर्स्ट टाइम. जब पेपर डिस्कवर हुआ था उसके पहले ही बहुत से ऐसे मटेरियल्स थे जिन पर लिखा जाता था. आपको यहाँ पे पता करना है कि ये जो नीचे दिए हुए चीज़ें हैं जिन पे लिखा जाता था पहले, ये किस कंट्री से आए थे. ये पाम लीव्स, पाम लीव्स पे जब लिखा जाता था तो ये किस कंट्री ने स्टार्ट किया था? ये सदर्न इंडिया ने स्टार्ट किया था. फिर है क्ले टैबलेट, ये स्टार्ट हुआ था इराक में. फिर स्टोन टैबलेट है, ये भी आपका स्टार्ट हुआ था इराक में. फिर है पाइपरस, ये स्टार्ट हुआ था इजिप्ट में. There have been many discoveries that have helped us to live in a better and comfortable way. बहुत सी ऐसी discoveries हुई जिनके वजह से आज हम बहुत ही बेहतर और एक आरामदायक तरीके से जी पा रहे हैं. One such discovery is that of paper. उन्हीं में से एक discovery किस चीज़ की है? Paper की. Let us read about how paper was first made. चलिए इसमें पढ़ते हैं कि सबसे पहले paper कैसे बना. साई लून वॉज अ चाइनीज स्कॉलर हु लिव 2000 ईयर्स अगो. साई लून एक चाइनीज स्कॉलर थे, मीन्स ही बिलोंग्स टू चाइना, वो चाइना के थे. ही वॉज अ चाइनीज स्कॉलर हु लिव 2000 ईयर्स अगो. डू यू नो द मीनिंग ऑफ स्कॉलर? वॉट इज स्कॉलर? स्कॉलर मीन अ पर्सन हु स्टडीज एंड नोज अ लॉट अबाउट अ पर्टिकुलर थिंग और अ पर्टिकुलर सब्जेक्ट. सो ही वॉज अ स्कॉलर हु बिलोंग्स टू चाइना. नाउ He was a man with a great idea. So he was a man, he was having a great ideas and would often been seen mixing many things together. और उन्हें हम अक्सर देखा जाता था कि वो कई चीज़ों को मिक्स कर रहे थे, साथ में मिक्स करते हुए उनको कई बार देखा गया. वो कुछ ना कुछ उसमें खोजते रहते थे. साइलून वुड ग्राइंड अ वेराइटी ऑफ प्लांट्स इंक्लूडिंग मलबरी बाग एंड हेम. साइलून ग्राइंड करते थे किस चीज़ को? अलग अलग प्लांट के वेराइटीज़ को, जैसे कि मलबरी बाग को और हेम को. ही वुड मेक अ वेट मिक्सचर ऑफ सेपरेट फाइबर्स. वो इन रेशों का अलग अलग जो है क्या बनाते थे? बिग वेट मिक्सचर बनाते थे, यानी कि गीला मिक्सर इनका बनाते थे. देन स्प्रेड इट आउट ऑन अ रफ क्लॉथ मैट अराउंड विच ही पुट अ बैम्बू फ्रेम. और उसके बाद इसको एक गीले चटाई पर फैला देते थे और उसके चारों ओर वो बैम्बू का फ्रेम लगा देते थे. इट लुक्ड अ बिग मेस. थोड़ा देखने में अजीब सा और ख़राब सा, ये मैसी सा लगता था. एंड हिज फ्रेंड्स एंड नेबर्स मेड फन ऑफ हिम. और उसके जो दोस्त थे, उनके जो नेबर्स थे, वो सब उनका मजाक उड़ाते थे. एंड हिज फनी आइडियाज़, और उनके इस फनी आइडियाज़ का भी मजाक उड़ाते थे. लिटिल डिड एनीवन फिगर आउट दैट साई लून वॉज ऑन हिज वे टू चेंजिंग द लाइफ्स ऑफ द पीपल फॉर एवर. बहुत कम लोग कोई जान नहीं पाया कि साई लून आज उस रास्ते पे हैं कि वो लोगों की ज़िंदगी हमेशा के लिए बदलने जा रहे हैं. नाउ लेट्स सी पेज नंबर 37. When Sailoon had completed the process and sun had dried the mixture, everyone realized that he had made something really remarkable. जब साइलून का ये मिक्सर कंप्लीट हो गया और वो सन के नीचे ड्राइड हो गया, मीन्स सूख गया, तब जाकर सबको रियलाइज हुआ कि उन्होंने कुछ ऐसा बनाया है जो कि रिमार्केबल है. This messy project was to become one of the most important invention ever. ये messy project जो लोगों को दिख रहा था, ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट इन्वेंशन हमेशा का बन गया. साइलून हैड इन्वेंटेड पेपर. साइलून ने क्या इन्वेंट करा? पेपर इन्वेंट किया. ओवर द ईयर्स, सालों तक, वी हैड मेड होल हार्टेड यूज़ ऑफ साइलून इन्वेंशन. हमने साइलून का जो इन्वेंशन था उसको पूरे दिल से हमने उसका यूज़ किया. साइलून टुडे वी हैव कम्प्लीटली डिपेंडेंट ऑन पेपर विच वी यूज इन अ डिफरेंट फॉर्म्स. आज हम पूरे तरह से पेपर पर डिपेंड हो गए हैं और जिसका हम अलग अलग तरीके से यूज़ कर रहे हैं. इट इज़ डिफ़िकल्ट टू इमेजिन अवर लाइफ विदाउट पेपर. हमारी लाइफ पेपर के बिना क्या होगी, ये अनुमान लगाना बहुत ही कठिन है. पीपल यूज टू राइट इवन बिफोर पेपर वॉज इन्वेंटेड. जब पेपर इन्वेंट हुआ था उसके पहले ही लोगों ने लिखना शुरू कर दिया था.
स्क्रैच एंड पेंटेड ऑन केव वॉल्स. वो किस पे लिखते थे? वो गुफाओं की दीवारों पे पेंट करते थे या फिर उस स्क्रैच करके चीज़ों को उस पे लिखते थे. ड्री ऑन अ वेट क्ले, गीली मिट्टी से कुछ बनाते थे. एंड कार्व्ड ऑन स्टोन, और पत्थरों पर नकाशी करते थे. दे रोट ऑन पाइपरस मेड फ्रॉम थिनली स्लाइस पाइपरस शीट विच दे ग्लूड टुगेदर टू मेक अ शीट. और वो पाइपरस से बने हुए एकदम पतले से कटे हुए पाइपरस रीड पर भी लिखते थे, जिसको वो ग्लू विच दे ग्लू टुगेदर टू मेक अ शीट, जिसको वो जो है ग्लू में डिबोट देते थे, उसको ग्लू में लगा देते थे ताकि वो एक शीट के रूप में बन जाए. बट इट इज़ अ पेपर नॉट पाइपरस, लेकिन यह पेपर था पाइपरस नहीं, विच हैज़ कम टू टच जस्ट अबाउट एवरी पार्ट्स ऑफ आवर लाइफ, जो कि हमारे जीवन के हर हिस्से को छू लिया. फ्रॉम बुक्स टू एग्जामिनेशन पेपर्स, किताबों से लेकर आज एग्जामिनेशन पेपर्स तक, टू मनी एंड पर्सनल केयर प्रोडक्ट, पैसों से लेकर पर्सनल केयर जो प्रोडक्ट्स होते हैं आपके, हर चीज़ आपका पेपर से जो भी बनी हुई, ये सब साइलून की ही देन है. देर इज़ नेवर अ डे एंड हार्डली अ वेकिंग आवर व्हेन वी डू नॉट यूज़ पेपर. शायद ही कोई ऐसा दिन हो या कोई ऐसे पल हो जब हम पेपर का यूज़ नहीं करते हैं. आपके पास करेंसी नोट है, जो भी है, आप हर जगह पेपर का यूज़ देखेंगे. साइलून इन्वेंशन इज सो अनबिलीवेबली सिंपल दैट यू कैन रिक्रिएट इट एट अ होम एंड मेक योर ओन पेपर. साइलून का ये जो इन्वेंशन था, ये एक अविश्वसनीय, बहुत ही साधारण सा था, और इसको आप अपने घर पे भी रिक्रिएट कर सकते हैं और अपना खुद का पेपर भी बना सकते हैं. व्हाट साइलून एंड अदर डिस्कवर वाज दैट, साइलून और अदर लोगों, दूसरे लोगों ने जो भी डिस्कवर किया था वो ये था कि प्लांट फाइबर्स व्हेन सोक्ड इन वाटर बाइंड टुगेदर टू फॉर्म अ शॉर्ट ऑफ पेपर. यानी कि जब प्लांट का रेशा, उसको आप जो है पानी में डुबो के रखते हैं, और तो वो क्या बन जाता है, शॉर्ट ऑफ पेपर बन जाता है. आगे देखते हैं, चाइनीज शॉर्ट ऑफ पेपर मीन्स पेपर की तरह से बन जाता है. चाइनीज पेपर मेकिंग स्प्रेड फ्रॉम एशिया टू अफ्रीका एंड यूरोप एंड ऑल ओवर द वर्ल्ड. यानी जल्द ही कागज़ जो है एशिया, पूरे हमारे वर्ल्ड में, एशिया, अफ्रीका, यूरोप, हर जगह मीन्स पूरा अपना फैल गया. सून जस्ट अबाउट एवरी वन न्यू हाउ टू मेक पेपर. जल्द ही जैसे कि लोगों को यह पता चला कि पेपर कैसे बनता है, जल्द ही लोगों को ये पता चल गया कि पेपर कैसे बनता है. स्टिल फिर भी देयर वॉजंट एनफ पेपर फॉर ऑल. लेकिन अभी भी जो है लोगों के पास एनफ पेपर नहीं था. सिंस मेकिंग इट यूज्ड अ लॉट ऑफ पेपर मेकिंग मटेरियल, क्योंकि उसको यूज़ करने में बहुत, क्योंकि पेपर को बनाने में मटेरियल जो यूज़ होता था वो बहुत ज़्यादा यूज़ होता था, विच वॉज़ डिफ़िकल्ट टू फाइंड इन दोज डे, जो कि उन दिनों फाइंड करना यानी खोजना बहुत ही मुश्किल होता था. नेक्स्ट टर्न पर हम पेज नंबर 38 और 39 को कवर करेंगे.